मैं फॉलो टेढ़ा तो 13 तो कर ही रही हूँ, मैं तो शुरू से देख रही हूँ। 12 तक जितने भी हुए सारे मैंने देखे बिग बॉस। मेरी तरफ से तो वो अच्छे दोस्त हैं, मैं तो हमेशा उनके साथ हूँ। नहीं अभी शायद दोस्ती कर लेंगे, कि रात का प्रोमो देखा मैंने आज का, वो मायरा बोलती है कि मुझे शुक्ला जी अच्छे लग रहे हैं, तो हो सके। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ग्रुप बैठ जाता है ना, फिर अपने ग्रुप का ही साइड देना पड़ता है। क्योंकि इंसान ही वो क्या जो अपना ग्रुप छोड़ के किसी और के साथ अपनी ग्रुप की बातें करे, है ना। अब जिसके साथ रहते हैं उसी का साथ देना चाहिए। उसको कोई ना कोई कुछ बोलता है फिर वो जाती है, ऐसे नहीं जाती। अगर आप उसको कुछ हर्ट करोगे, कुछ बोलोगे, फिर ही कोई बोलेगा ना। ऐसे तो कोई भी नहीं बोलता ना किसी के बारे में। हाँ, स्टार्टिंग में उसने बोला था जब बैठे हुए थे, तो उसको पता नहीं जेलसी फील हो रही थी, बोलती जो मेरा है मेरे पास ही रहना चाहिए। तो मायरा उठ के चले जा रही थी, फिर आरती ने पकड़ा, जब पता नहीं किसने पकड़ा था, बिठा रहे थे, तो जब उसने बोला जाने दे, बोलती बॉयफ्रेंड लेके जाओ, बोलती बॉयफ्रेंड वर्ड मत बोलना। उसने सही बोला, वो हम बॉयफ्रेंड नहीं बनाने गए। वो आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकते किसी को। हाँ जी, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। गलत नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा उनके बारे में। पहला नंबर तो बोलते मेरी छोटी बहन है। आप छोटी बहन को एक नेचर चैनल की ऐसे नहीं बोल सकते हो। क्या आपकी घर पे बहन, आप उससे भी ऐसे, उसको भी ऐसे बोलोगे? अपना अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को टीआरपी देने के लिए बहन के लिए गलत बोलोगे आप? ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है। ये तो मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छी बात नहीं है। जब वो अंदर गए थे मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बात करने का। बीच में किचन में कुछ झगड़ा हो रहा था पारस का एंड आसम का, कुछ हो रहा था, तो बाऊ बैठे होते उठ के आए, बोलते लड़की को कुछ गाली नहीं देनी। अगर तुम लड़कियों की आप इज्जत करते हो तो लड़की को नेशनल चैनल पे ऐसे नहीं बोल सकते, उसके फेस पे, वो एक एक्टर है, उसको नहीं बोल सकते आप। नहीं, मेरे हिसाब से देखो क्या है ना, भाईजान सबका साथ देते हैं। ठीक है, उन्होंने मायरा को डांटा, छोटी है डांटा, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि अगर आप डांट के उसको इतना भी समझ में आया ना, दूर हो गई ना वो चीज़ से, ठीक है ना, समझाया बहुत अच्छी बात है। बाकी ये नहीं कि वो शुगला से शुगला को ज़्यादा मानते हैं, मायरा को कम मानते हैं। उनके लिए जितने भी सब लोग हैं ना, सबके लिए एक ही जैसे उनके दिल में जगह है, भाईजान के दिल में। वो किसी के लिए वो गलत नहीं बोलते। अगर उन्होंने उस दिन कुछ बोला भी था, दूसरे दिन उसने मायरा को हंसाया भी था, उन्होंने किसी बात पे लेके हंसाया था, वो पिंपल के लिए फेस पे ऐसे बोला था उन्होंने कि हंसे। उनका कहने का मतलब उसको स्माइल दे। क्या है कि पारस की टीम, मायरा पारस की टीम है, वो अपनी उनकी टीम अलग है। तो अगर टास्क करते दोनों टीमें आती हैं, अंदर आती हैं, है ना। तो अगर खेल रहे एक दूसरे का हाथ भी टच हो जाता है। मेन क्या था, मेन उन्होंने गुस्सा क्यों निकाला था मायरा पे, जब मायरा किचन में खाना बना रही थी, इतने लोगों का खाना मैं खुद देख के हिल गई थी कि मेरा बच्चा खाना भी बनाना आ रहा है इसको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने बोला कि मुझे सब्जियां काट के दो, उन्होंने बोला नहीं आप बैठो, आप सब्जी काटो, मैं नहीं काटूंगा। बीच में सब लोग आ गए थे, तो मेरे साइड बोलती चिल्ला के मेरे से बात मत करो, ठीक है, इतने लोगों का खाना बना रही है, छोटी बच्ची, उसको तो पता भी नहीं खाना सब्जी कैसे काटनी है। और वाकई उसने सब्जियां कभी काटी, और मैं इतना लगा कि चपाती बना रही है, सब्जी बना रही है, मेरे को देख के ऐसा रहा कभी हाथ ना जला दे कभी, तो इतना कुछ कर रही है। तो शुक्ला जी को वही गुस्सा था जो बाहर मायरा पे निकाला, जो उस टास्क में, जो बोरी वाला टास्क था, उन्होंने दो बार उनके फेस, आप उसका उनका फेस का वो देखते हैं आप, शुक्ला जी के फेस पे गुस्सा था, बहुत गुस्सा था, गुस्से से वो फेंके थे नीचे उसको। तो बाद में बोलते हैं नाटक करे, उसको चोट लगी थी, इतने अगर जोर से गिराते हो तो चोट लगती है। जिस बच्चे ने घर पे कभी थप्पड़ नहीं खाया बचपन से लेके अभी तक, डांट नहीं खाई, वो एकदम गिरेगा, चोट तो लगती है ना। फिर भी उसने बोला नहीं मुझे नहीं लगी, कोई अगर नाटक वाटक करती तो करती नाटक, बोलती हाँ मुझे लगी है, लेकिन उसने बोला नहीं मैं ठीक हूँ। वो उसको चोट लगी थी जब अपना वो जो क्या बोलते हैं वो नहीं टास्क के समय ही, वो जो अपनी काटा वाली, मेरे को उसका नाम ही नहीं आता था, शिपाली के, क्योंकि उसका नाम कभी सुना ही नहीं मैंने, एक ही बार गाना ही देखा था उसका, उसके बाद तक मैंने पहली बार देखा कि अभी पहले क्या थी अभी क्या हो गई है, पहले छोटी थी अभी तो बहुत बड़ी हो गई है, तो उसको तब देखा था मैंने। एक तो होता है ना, बाकी जितने भी अंदर गए सब उनके देखते हैं, हम लोग काम करते हैं, बोलो उसको तो कभी देखा ही नहीं है। तो वो उसको कुछ बोला था मायरा ने, दोनों ने, शिपाली ने बोला था मायरा, दोनों के बीच में ऐसी हो गई थी। तो अब इतना फिर दूसरा शुक्ला जी बोल रहे हैं कि देखो देखो तो कोई घर पे, अपने घर पे बोल रही है, अपने घर पे बोल रही है, कैमरे को देखो बोले अपने घर पे बोल रही है।
आप किसी के पेरेंट्स के बारे में बोलते हो कि ये अपने घर पे भी ऐसे ही बात करती है, अब ये अपने घर पे बोल रही है, ये चीज़ तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। ये तो शुक्ला जी को भी अगर कोई बोलता ना, वो भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उसने अपने आप को तकलीफ दी, उसने गाड़ी खड़ी दी वहाँ पे, अपनी फाइट की, अपने आप को वो किया कूल करने के लिए। और पहली बार देखा मैंने उसको, उसको कितना गुस्सा, कभी उसका देखा ही नहीं मैंने इतना गुस्सा। मैं उस दिन सोई नहीं, हो रहा आपको, मैं रोई थी बहुत ज़्यादा। मेरे वाला मेरे बस में हो ना तो मैं लेके आ जाऊँ उसको। दोनों स्ट्रॉन्ग है, मेरे दोनों स्ट्रॉन्ग है, और सब जितने भी एक्टर सब स्ट्रॉन्ग है, किसी गले में कुछ नहीं। वो सब एक तो सब ने सीरियल किया है, सब का नाम है मार्केट में, सब अच्छे हैं। अगर वो आरती को उसने पारस ने कही ये चीज़ हमने नहीं देखी, टीवी पे नहीं दिखाई गई, और मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि जब तक तो मैं देखूँ ना चीज़ को मैं मान नहीं सकती हूँ। अगर मैं देखूँगी जिस चीज़ को उसका मानूँगी, हाँ आरती को उसने कहा है पारस ने ऐसे ऐसे कि पहले मैं वो अपना शहनाज के पास उसको करूँगा, फिर मायरा के थ्रू उधर जाऊँगा, ये चीज़ मैंने नहीं सुनी और मैं बोल नहीं सकती इसके बारे में। अभी रेल सब आ रहा है ना बाहर, आप कितनी देर बच्चा बन के रहोगे अंदर, समझ में आता ना। मेरी मायरा तो एक ही बार रोई है बीकन पे, एक ही बार रोई है ना, वो तो हमेशा रोती है। उसको तो आप बोलोगे रो, एकदम रोएगी, वो एक्टिंग करती है। जिसका रोना होता है ना उसकी आवाज़ नहीं आती, उसके आंसू गिरते हैं अंदर से, गिरते हैं आंसू, जैसे मेरी मायरा के गिरे थे, वो होता है। आप जोर से रोओगे वो रोना नहीं होता, वो एक्टिंग होती है। क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ, मैं जानती हूँ, क्या बोल सकती हूँ मैं। लेकिन बाकी जितने भी अंदर हैं सब एक से बढ़ के एक्टर हैं, सब नंबर वन हैं, सब नॉन फेस हैं, सब अच्छे एक्टर हैं, अच्छे घर के हैं, ये चीज़ बोल सकती हूँ। शुक्ला जी भी अच्छे हैं, लेकिन जब जब वो करते ना, कहते हैं ना देखो ये अपनी जो लड़की, क्या नाम उसका नाम भूल जाती है, उन्होंने वो कर शिपाली जो अभी आई है, ठीक है ना, इसने जब भी पकड़ा मायरा के साथ उसने वो किया, वो मायरा के साथ क्यों फाइट कर रही है, फुटेज लेने के लिए, क्योंकि उसको तो देखा नहीं अभी तक। आपने भी शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, देखा होगा गाने में देखा होगा, अभी भी इसका गाना वही सामने आया, कभी तो देखा भी नहीं सामने आता उसका गाना, अभी आया है। तो वो फोटोज के लिए मायरा के पास जाती है, फोटोज मिले उसको, मैं अपनी बेटी को और शुक्ला जी को ये सुनना चाहते थे आप, शुक्ला जी को दो नाम हो गए ना, पारस को भी देखना चाहती हूँ और मैं आरती को देखना चाहती हूँ, वो भी ना दो, आरती देवो लक्ष्मी इनको। देखो मम्मियों के दिल में ना पाप नहीं है, वो मम्मियाँ होती है ना, क्योंकि उनके लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं, वो किसी बारे बुरा नहीं बोल सकते। कहते हैं जो इंसान माँ होते ना, माँ जब तक माँ बाप नहीं बनते ना समझ से बाहर होता है, जब बनते रहो दर्द फील, जब कुछ बच्चे को चोट लगता है ना आंसू हमें आते हैं।